हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। बेटा तैयार हो जाइए पेन पेंसिल बुक नोटबुक लेकर पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि आपके सर आपको पढ़ाने के लिए आ गए। जैसा आप सबको मालूम है, हम पढ़ क्या रहे थे, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 क्लीन टुगेदर। कौन? क्लास फिफ्थ के लिए हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर था क्लीन टुगेदर। आज पढ़ेंगे पेज नंबर बेटा 30, ओपन कर देना। वही पढ़ रहे थे क्लीन टुगेदर, यानी चैप्टर 4 था हमारा क्लीन टुगेदर। एक साथ सफाई, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमेशा वो चैप्टर का हिंदी मींस आपको पता होना चाहिए। अब तो 3-4 दिन हो गए हैं पढ़ते हुए, तो आप तैयार हो जाइए। मैंने बोल दिया पेज नंबर बेटा निकालना 30 और 31। 30 और 31 पेज नंबर है और उसमें आप नीचे लिखना सीधा थिंक एंड टेल के नीचे लिखा हुआ एक येलो कलर की लाइन दे रखी है, पीली येलो कलर की पीली लाइन दे रखी है ना, उसमें लिखा हुआ है ही हु क्लीन्स इज ग्रेट नॉट द वन हु लिटर्स। ही हु क्लीन्स इज ग्रेट, ही यानी वह जो सफाई करता है, ही यानी वह जो सफाई करता है इज ग्रेट यानी बहुत बड़ा है। वह जो सफाई करता है ग्रेट है, महान है। नॉट द वन हु लिटर्स, वह नहीं है जो कूड़ा कचरा फैलाता है या कचरा करता है, बिखरा हुआ कचरा करता है। तो लाइन का मतलब क्या हुआ, वह जो महान, वह जो सफाई करता है महान है, सफाई करता है वह तो महान है, वह नहीं है जो कूड़ा करता या कहूं तो कचरा बिखेरता है। कूड़ा कचरा वगैरह होता है, गार्बेज करता है, लीटर करता है, वह ग्रेट नहीं है बेटा। ग्रेट कौन है? जो सफाई करता है, जो सफाई रखता है। फिर बेटा देखो आगे हम स्टोरीज पढ़ रहे थे, कुछ उनके दोस्त थे जो वो परिवार से आए थे बाहर बेंगलोर से, उनके दोस्त भी साथ में आया था एक। फिर उन्होंने सुनीता का घर देखा था, सुनीता का घर छोटा था, बट उसके भाई के दोस्त ने कहा बेटा घर भले ही छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे खुद का हो चाहे किराए का हो, बट सफाई रखना बेटा आपके हाथ में होता है और सफाई रखना जरूरी है। और वहां से वो एक बात मन में बैठा लेती है सुनीता हमेशा सफाई रखने की। फिर आगे बेटा देखो, आफ्टर हर सिस्टर इन लॉ मेड हर अंडरस्टैंड, यानी आफ्टर हर सिस्टर इन लॉ यानी कि उसकी भाभी ने बताने के बाद, उनको समझाने के बाद, सुनीता एंड हेयर फ्रेंड, सुनीता और उनके मित्रों ने टुक सम रेजोल्यूशन, यानी सम रेजोल्यूशन का मीन्स बेटा संकल्प लेना। तो उन्होंने कुछ संकल्प लिए टू मेक ए क्लीनलीनेस देयर हैबिट, की हम उसको क्या करेंगे, हम आदत डाल देंगे। दी प्लेस, उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली बेटा, यानी कि सुनीता की बात कर रहा हूं, सुनीता की भाभी ने उनको समझाने के बाद में सुनीता और उनके दोस्तों ने यह कुछ संकल्प लिए ऐसे। और क्या संकल्प लिया? स्वच्छता को उनकी आदत बनाने का संकल्प लिया कि हम क्या करेंगे, हम आदत बना देंगे, हम आदत डाल देंगे कि हम क्लीनलीनेस रखेंगे। दे प्लीज, उन्होंने प्रतिज्ञा ली। और फिर आगे देखो बहुत सारे दे रखे हैं रेजोल्यूशन, उसमें वी विल नॉट थ्रो पेपर्स, हम कागज नहीं फेंकेंगे। रिमेन्स ऑफ पेंसिल्स, पेंसिल का अवशेष यानी पेंसिल को छीलने के बाद में जो पीछे बचता है वो हम नहीं फेंकेंगे। रैपर्स ऑफ टॉफीज एटसेट्रा इन अवर क्लासरूम, यानी हम कागज पेंसिल के पीछे बचा हुआ अवशेष, उसके अलावा टॉफी के रैपर्स, वो हम हमारी क्लासरूम के अंदर, हम हमारी कक्षा कक्ष के अंदर नहीं फेंकेंगे। उसके अलावा सेकेंड जो रेजोल्यूशन था वो वी विल नॉट राइट एनीथिंग ऑन वॉल्स, हम दीवारों पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। फ्लोर्स और फर्नीचर एंड विल नॉट मेक देम डर्टी, हम दीवारों पर, फर्श पर एंड फर्नीचर पर कुछ नहीं लिखेंगे एंड हम उनको गंदा नहीं करेंगे, हम उसको गंदा भी नहीं करेंगे। वी विल नॉट स्पिट एंड थ्रो रबिश हेयर एंड दियर, हम इधर उधर न तो थूकेंगे और न कचरा फेंकेंगे, हम इधर उधर थूकेंगे भी नहीं। स्पिट का मीन्स बेटा थूकना होता है, तो नहीं थूकेंगे और नहीं कचरा फेंकेंगे। वी विल बाथ एवरी डे एंड वियर क्लीन क्लॉथ, हम हमेशा नहाएंगे एंड साफ कपड़े पहनेंगे, क्लीन क्लोथ्स पहनेंगे यानी कि साफ कपड़े पहनेंगे।
वी विल नॉट यूज पॉलीथीन बैग्स, हम पॉलीथीन बैग्स का उपयोग नहीं करेंगे, हम प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करेंगे. वी विल हेल्प फुली इन कीपिंग आवर स्ट्रीट्स हाउसेज स्कूल्स एंड पब्लिक प्लेसेस क्लीन. हम हमारी गलियों घरों विद्यालयों और सार्वजनिक स्थानों की सफाई रखने में पूरी सहायता करेंगे. उसके अलावा वी विल श्योरली यूज ऑनली क्लोथ्स जूट और पेपर बैग्स फॉर ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स एंड ग्रॉसरी एटसेट्रा एंड स्टॉप यूजिंग पॉलीथीन बैग्स. हम निश्चित रूप से किराने का सामान हो या सब्जियां लाने के लिए या तो कपड़े का थैला या जूट का थैला या कागज के थैले का उपयोग करेंगे. एंड स्टॉप यूजिंग पॉलीथीन बैग्स, और क्या करेंगे, प्लास्टिक की थैलियों पर प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करेंगे. और जो करने वालों को भी हम रोकेंगे कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करना है. फिर बेटा आगे देखो पेज नंबर 31 पर. इम्पॉर्टेंट टास्क यानी कि महत्वपूर्ण कार्य. अब क्या महत्वपूर्ण कार्य है? एनीबॉडी विजिटिंग गांधी जी आश्रम वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन द टास्क ऑफ क्लीनिंग टॉयलेट्स एज डेली वर्क्स. एनीबॉडी विजिटिंग गांधी जी आश्रम यानी कोई भी अगर गांधी जी के आश्रम जाता, गांधी जी का आश्रम था, तो कोई भी अगर गांधी जी के आश्रम जाता तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन द टास्क ऑफ क्लीनिंग टॉयलेट एज डेली वर्क, यानी सबसे पहले उसको क्या कार्य दिया जाता था कि टॉयलेट साफ करने के लिए कहा जाता हमेशा के लिए. कोई भी अगर गांधी जी के आश्रम जाता था तो वो क्या किया जाता था कि सबसे पहला काम हमेशा का टॉयलेट साफ करना. ओनली आफ्टर डूइंग दिस वर्क प्रॉपरली ही वॉज गिवन एनी अदर वर्क बिकॉज क्लीनलीनेस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर महात्मा गांधी. ओनली आफ्टर डूइंग दिस वर्क प्रॉपरली यानी इस कार्य को अच्छे ढंग से करने के बाद में कुछ ही वॉज गिवन एनी अदर वर्क, कुछ को ही उसको दूसरा काम दिया जाता था. क्या यानी कि ओनली आफ्टर डूइंग दिस वर्क प्रॉपरली यानी इस कार्य को अच्छे तरीके से करने के बाद में ही सिर्फ उसको कुछ अन्य काम दिया जाता था, क्योंकि क्लीनलीनेस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी के लिए स्वच्छता सबसे महत्वपूर्ण चीज थी. महात्मा गांधी जी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या थी? तो वो थी क्या थी? वो थी स्वच्छता. दिस डेज और इन दिनों स्वच्छ भारत अभियान क्लीन इंडिया कैंपेन यानी इस दिनों स्वच्छ भारत अभियान क्लीन इंडिया कैंपेन इज बीइंग रन थ्रू आउट द कंट्री, यानी इन दिनों हमारे देश के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है. इट इज बीइंग स्ट्रेस्ड दैट रोड्स रेलवे स्टेशन बस स्टैंड एटसेट्रा मस्ट बी केप्ट क्लीन. और इसके अंदर क्या किया जाता है, सड़कों को रेलवे स्टेशन को एंड बस स्टैंड को साफ रखना चाहिए. इसके अंदर ये संकल्प लिया गया है कि हमारे को क्या करना है, सड़कों को साफ करना है, रेलवे स्टेशन को साफ करना है एंड बस स्टैंड को साफ रखना है. देयर शुड बी केप्ट डस्टबिन इन एवरी हाउस यानी प्रत्येक घर में एक कचरा पात्र रखा होना चाहिए, डस्टबिन होना चाहिए. डिस्पोजल ऑफ गार्बेज थ्रू रिसाइकलिंग इज ऑल्सो नेसेसरी. डिस्पोजल ऑफ गार्बेज यानी जो कचरे की व्यवस्था होती है, कचरे के से जो निपटान होता है, वह भी कुछ आवश्यक चीजों के साथ आवश्यक चीजों का रिसाइकलिंग करते हुए उसका यूज करना चाहिए. क्या करना चाहिए, जो घर में कचरे की व्यवस्था होती है और उसको भी क्या करना चाहिए, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज है जो आपके उपयोग आ सकती है, उसका वापस उपयोग करना चाहिए, उसका रिसाइकल करना चाहिए. अब हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. चैप्टर रिकॉल मैंने आपको करवा दिया है. होमवर्क के रूप में क्या है, क्लीनलीनेस इज नेसेसरी टू स्टे हेल्दी, कि स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता आवश्यक है. वी शुड फॉलो क्लीनलीनेस अवर सेल्वज, हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारे को स्वच्छता का पालन करना चाहिए. क्लीनलीनेस शुड बी ए हैबिट, स्वच्छता एक आदत होनी चाहिए, नॉट जस्ट शो ऑफ, सिर्फ दिखावा नहीं होना चाहिए, आदत होनी चाहिए. यूज टॉयलेट्स फॉर यूरिनेटिंग नॉट इन ओपन स्पेस, यानी टॉयलेट अगर जाते हो तो यूरिनेटिंग करते हो तो टॉयलेट का उपयोग करना, ओपन स्पेस खुली जगह में नहीं करना यूरिनेटिंग. अब बात करते हैं आपको होमवर्क के रूप में बेटा एक्सरसाइज का. फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज. पहला क्वेश्चन मैं डायरेक्ट आंसर ही लिखवाऊंगा. क्या है क्वेश्चन, हाउ डिड यू रन द क्लीनलीनेस कैंपेन इन योर स्कूल एक्सप्लेन, आपको समझाना कि आपने आपके विद्यालय में स्वच्छता का अभियान कैसे चलाया. इसको आंसर करना है, इसका आंसर कि आपने आपके विद्यालय में स्वच्छता का अभियान कैसे चलाया, आपने क्या काम किया. तो नोट करना बेटा,
मैंने लिख दिया है फर्स्ट आंसर, क्वेश्चन आपको बुक से नोट करना और आंसर में एक एक पॉइंट लिखते जाना है। फर्स्ट लिखना वी यूज्ड क्या क्या, हमने सपोज करो हमारे स्कूल कैंपस को साफ किया, ठीक है ना, तो क्या लिखना है, वी यूज्ड क्लीन आवर स्कूल कैंपस, वी यूज्ड क्लीन आवर स्कूल कैंपस, एस सी एच डबल ओ एल सी एम पी यू एस, कैंपस लिख देना बहुत है। वी यूज द क्लीन आवर स्कूल कैंपस, हमने हमारे विद्यालय के परिसर को साफ करने का उपयोग किया। बेटा ऐसे नहीं लिखना, ये यूज बस लिखना यहां यहां, ठीक है ना, इतना लिख देना क्लीन, वी सी एल ई ए एन ई डी, वी क्लीन आवर स्कूल कैंपस, हमने हमारे विद्यालय परिसर को साफ किया। दूसरी बात लिखना और वो लिखना, वी यूज द डस्टबिन फॉर थ्रो पेंसिल्स, हो गया पेंसिल यानी रिमूव पेंसिल, जो मैंने अभी लिखा था ना कि वी यूज द डस्टबिन, हमने कचरे पात्र का डस्टबिन का उपयोग किया। फॉर यानी किसके लिए किया, अब डस्टबिन का उपयोग किसके लिए करोगे, तो आप किसके लिए करोगे, एक तो थ्रो पेपर्स, कागज फेंकने के लिए आप किसका यूज करोगे, डस्टबिन का यूज करोगे, उसके अलावा चॉकलेट रैपर्स सी एच ओ सी चॉकलेट डब्ल्यू आर ए डबल पी ई आर एस, चॉकलेट रैपर्स, उसके अलावा एस ए वी आई एन जी एस, सेविंग्स का मींस होता है कोई भी बची हुई चीजें होती है वो, और उसके अलावा आर ई एम ओ वी ई एस, रिमूव्स नहीं रिमेन्स, आर ई एम ए आई एन एस, रिमेन्स ऑफ पेंसिल एटसेट्रा, इसका उपयोग करेंगे हम डस्टबिन के लिए। किसका, एक तो कागज फेंकने के लिए डस्टबिन का उपयोग, एक चॉकलेट रैपर फेंकने के लिए, सेविंग्स के लिए, एंड रिमेन ऑफ पेंसिल्स यानी पेंसिल छीलने के बाद में पीछे जो बचता है उसके लिए, सी एच ओ सी ओ, ये ओ है ठीक है ना, सी एच ओ सी ओ एल ई टी, ए नहीं है। तीसरी बात बेटा है, वी क्लीन्ड आवर स्कूल टॉयलेट, सी एल ई एन ई टी, क्लीन्ड आवर स्कूल टॉयलेट्स, हमने हमारे शौचालय को भी साफ किया। एंड चौथी बात है, और वो चौथी बात है, वी क्लीन द गार्डन्स, वी क्लीन द गार्डन्स, हमने बगीचों को साफ किया। एंड अरेंज द फ्लावर पॉट्स, एंड ए डबल आर ए एन जी ई डी, अरेंज्ड द फ्लावर पॉट्स, हमने क्या किया, वी क्लीन द गार्डन्स को साफ किया, एंड अरेंज किया फ्लावर पॉट्स को, और फिर लिखना प्रॉपरली, पी आर ओ पी आर एल वाई, फ्लावर पॉट्स प्रॉपरली, यहाँ फुल स्टॉप लगाना, यहाँ फुल स्टॉप मत लगाना, हमने अच्छे तरीके से जो फ्लावर पॉट्स थे, फूल के जो गमले वगैरह थे, उसको अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया। तो बेटा आज अब टाइम होने वाला है, इसीलिए आपको सिर्फ इसका ही आंसर करना है होमवर्क में, और यही आपका होमवर्क है। क्या होमवर्क है, ये जो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, इस पहले क्वेश्चन का आपको आंसर देना है आपकी नोटबुक में। और इस प्रकार आज हमने देखो बेटा 14 चैप्टर भी पूरा कर लिया है, और इसी प्रकार हम आगे भी पढ़ते जाएंगे, सारे प्रश्नोत्तर करेंगे, सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे। और अब मैं आपसे विदा लेता हूं बेटा, कल वापस लौटता हूं इसी समय, और तब तक के लिए बेटा ईश्वर से प्रार्थना करूंगा आपको सुरक्षित रखें, आपके पूरे परिवार को सुरक्षित रखें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, प्रश्नचित रहें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू बेटा।